नमो नमः अध्यासमाभि अत्र द्वितीयः पाठः पठ्यते अस्य पाठस्य नाम शिलालेखः अत्र वयम् शिलालेखमद्ये गिरनार नामकस्य शिला भिलेखस्य यह मूल पाठः वर्तते तस्य मूल पाठस्य विवेचनम् करिष्यामः इत्यपूर्वमपि अस्माभिः शिलालेख विषये केचन विषयः पटितः आसन ते विषयासन्ति शिलालेखस्य परिभाषा शिलालेखस्य प्रयोजनम् शिलालेखस्य महत्त्वम् शिलालेखस्य स्थानम् गिरनार अभिलेखस्य ऐतिहासिक परिचय गिरनार अभिलेखस्य सविस्तरं परिचय अनेन गिरनार अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिक तथ्यानि इति अस्माभिः पाठे चर्चितानि सन्ति अत्र यह पठनीय विषय वर्तते सर्वथा गिरनारा भिलेकस्य मूल पाठ्यर्थ अत्र गिरनाराख्यस्य अभिलेकस्य मूल पाठेना सः तस्य विवेचनम् अपि सरलतया समासेन च प्रस्तुयेते येन अभिलेकस्य मूल जानेना सः तस्य अभिलेकस्य आशयस्य अपि ज्ञानम् स्यातम् अत्र कोष्ठकस्य अंतरकतह या पाठः स प्राज्ञयि अनुमितह पाठः वर्तते येतो हि विद्वद्भि न प्रजातम् यत्र तत्र शिलालेखे अ यह पाठा वर्तते स पाठक क्वचित क्वचित मध्ये भ्रष्टः वर्तते भ्रष्टता कारणात् विद्वद्भि न जातम् तत्र वास्तविकः क पाठ परंतु अनुमानेन जातम् यत तत्र क पाठ स्यात् स एव पाठ प्राज्य हि य अनुमितः पाठः वर्तते सस्मा कोष्टक अंतर्गत अत्र विचारिष्य यतो हि शिलालेखे तत्त वर्ण से पद से स्पष्टतया अवलोकन न भवत् से सारल्या भाषाया मध्ये मध्ये अवरोध कृत येन अस्मा जात स्यात् य स पाठ मूल पाठ न अभी तो विद्भि अनुमिता पाठ वर्तते तत्र मूल पाठ विषय प्रथम सिद्धम इदागम सुदर्शन गिरीनगरादी मृत्तिकोपल विस्तराय आमोच्य निसंधिबद्धदृढ़सर्वालिकल्वादत पाद अलपाठ अस्वेचन क्रियते उच्यते एक जलाशय सुदर्शननामक वर्तन गिरीनगरनामक पर्वते अय स्थित तस्मात् पर्वतात प्राप्त मृत्तिका प्रस्तर जलादि द्वारा निर्माणम अस्य सुदर्शन नामकस्य तडागस्य जातम् अस्य विस्तारा आयामदिकस्य विशालः अयम् सन्दीपबन्धरहितः अस्य तटः दृढ़ पर्वतसदृशा असन्ति इति उक्त मूलपाठे उच्यते अग्रे मूलपाठे उच्यते पादप्रतिsprधि सुशिष्टं बन्धम् वा जाते कृत्रिमेण सेतु बंधे सुप्रतिविहित प्रणाली परिवहा अस्य मूल पाठस्य विवेचनम् क्रियते अस्य सुदर्शन नामकस्य तड़ागस्य द्रिड पर्वत पादो इव संयुक्ता हा निर्मिताश्च तथा संति अर्थात् अस्य सुदर्शन नामकस्य तड़ागस्य ये तथा संति ते एवं प्रतियंते यथा कश्चित् तत्र वर्तते तत्र प्राकृतिक सेतु बंधस्य दर्शनम जायते यथा एक सेतु बंध मानव निर्मित भवति परंतु सुदर्शन दृष्टि एवं विज्ञाते यद अत्र यह सेतु बंध स मानव कृत न अभी तो प्राकृतिक कश्चि सेतु बंध अस्ती तत्र भवति तत्र जलस्य या प्रणाली वर्तते सा सम्यक निर्मिता विद्यते येन तस्य सौंदर्य अतीव गौरव गच्छति अग्रे पाठ्य उच्चते मेड बंध विधानम चत्रेष्कंधन आदि अनुलग्नहीं महती उपचाये वर्तते तदिदम् राज्यों महाचत्रपस्य सुक्रिहित नामना अस्य मूल पाठ्यस्य विवेचनम् क्रियते अशुद्ध जलस्य प्रवाहक ब्रिहत प्रणाली गोमूत्र गतिरीव वर्तते यथा काचित् गावः भवति गौ यदा मूत्रम् करोति तस्य मूत्रस्य या गति भवोति इसात्रियक एवं गौमूत्र गच्छति तथैव इसात्रिस्कंदयतात्वाद् अत्युद्द्यन्त अवस्थायाम् विद्यते इदसं इधम् सुदर्शन नामकम् यह यत्र स्रोतः वर्तते अस्मिन् स्रोतसि या जलस्य गति हस्ति अथवा अस्या स्रोतसः या प्रणाल्यः संति तासाम प्रणाली नाम या गति वर्तते सागति गोमूत्र गतिरीव त्रिय गति वर्तते अग्रे मूल पाठे उच्यते सुगृहीत नामनः स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य राज्य छत्रपस्य सुगृहीत नामनः स्वामी जयदाम जयदम्ह पुत्रस्य राज्य महाछत्रपस्य गुरुभि अभ्यस्त नामनो रुद्रदामनो वर्षे द्विसप्तति तमे अस्य मूल पाठसे विवेचने उच्चते एसम महाचत्रपह स्वयोग्यता अनुसारा विधाने युक्तस्य स्वामीनः चष्टनस्य पुत्रस्य राज्यः सोग्रित नाम दहेयस्य स्वामीनः जय दामनः पुत्रः सोग्रित नाम दहेयः सतत इस्मिरित नामः राजा दुरुद्र दामन नामः आसीद् अर्थात् अस्मिन् मूल पाठे मुख इदुच्य अ तस्य नाम तम आसीत आसत अस्य पिता आसी स जयदाम आसी स स्वयं राजा आसी श्रेष्ठ जन सर्वदा अस्य निरपस्य से स्मरण क्रीय स्म अग्रे मूलपाठे उच्य मार्गशीर्ष बहुल प्रतिपदी सृष्टि वृष्टिना प्रजन्येण एकारणव भूतायामेव पृथ्वीयाम् कृतायाम ग्रेरूर जयत स्वर्ण पलासिनी अस्य मूल पाठस्य पूर्वं विवेचनं क्रियते अस्य रुद्रदामन नामकस्य निरपस्य राज्यस्य द्वादसप्तति तमस्य शक संवत्सरस्य मार्गशीर्ष मासस्य कृष्णपक्षस्य प्रतिपदायाम् तिथौ महावर्षा कारणे कारेण मेघेन भूमि समुद्र इव अर्थात वृष्टि एवं संजाता यत तत सुदर्शनम समुद्र इव प्रतीयते यथा अत्र कश्चित समुद्र वर्तते इति तस्य सुदर्शनस्य दर्शनं भवति यतो हि तत्र ऊर्जयत पर्वतात प्रादुर्भूता सुवर्ण सिक्ता पलासिनी प्रमुखादि नद्यः सन्ति अर्थात तत्र ओर्जयत पर्वतात उद्भूता सिक्ता पलासीनी आदि या ये तंम नदीना जलम सुदर्शन सुदर्शननामक तड़ागे अस््छति अग्रे मूलपाठे उच्य पलासिनी प्रभृती नदीना अतिमात्रोदृत सेतुमयनुप्रीकार गिरीशिखरतरुतट अट्ठाला तो अट्टालकोपत अटालक, उपतलप विध्वंसिना विध्वंसिग निधन सदृश अस मूलपाठ सेचन क्रिय है एक नदिया वर्षा ऋतौ अत्यवेगवर्धना सुदर्शन से तो, तड़ाग से सर्वे बंधा समुचि उपायकृत स्खलिता अर्था ये अस्य से संरक्षक आसन तैक् संरक्षक बहु उपाय परंतु उपाय कृते वर्षा कारण सुदर्शन तड़ाग सर्वे बंधा खलिता अभवं पर्वत शिखर तरतट अट्टालि उर्वभागरगृहादीना विनाशन नद्य वेगेन अर्थ यदीना पूर्व उत्ता स तासाम नदीनाम ये जलस्य ये वेग तेना वेगेन अत्र ये तटा आसम सुदर्शन तड़ागसे ते सर्वे तटा विनाशता अग्रे मूलपाठे उच्य परम घोरण वेगन वायुना प्रमथित सलिलिप्तजर्जरीकृतवीर्ण क्षिप्तास्म वृक्ष लता प्रतानम् आ नदी तलादी उद्घाटित मासेत चतुवारी हस्त सताने विषद उत्तराण्यतेन एतावत्येप विस्त्रणेन अस्य मूल पाठस्य विवेचनं क्रियते तत्र उच्यते इदं सुदर्शनं अति तीव्र वेगवता वायुना प्रमथितं अत्रत्येन प्रमतितेन शलिलेन सुदर्शनं विक्षिप्तं जर्जरिकृतम च तस्मात् अस्य सुदर्शनस्य दुर्दशा जाता तटप्रस्तरः सर्वे खंडिताः सुदर्शनम परितः ये तरवः आसन् ते उत्पतितः क्षुद्र पादपापि सर्वे वायुजल वेगेन विनष्टः लता प्रतानानी अपि सर्वाणि विलुप्तानि एवम् नदीतल पर्यंतं सर्वमपि विखंडितं चतुर्विंशति हस्तमात्रं आयातन रूपेण तावदेव विस्तीर्ण रूपेण इदं खंडितं अस्य सुदर्शनस्य एतादृशी स्थिति संजाता यत दृष्ट्वा आ, मनसी ग्ला स्म अग्रे उच्य मूलपाठे पंच भेदेन, निश्रित सर्वतोयम मरुन्व कलभृश दूरदर्शन से मौर्य राज्य चंद्रगुप्त राष्ट्रीय वैश्यन पुष्यगुप्तेन कारितम अशोक मौर्य कृते यवनराजन तुषास्फेन अधिष्ठाय अस्य मूलपाठस्य अर्थविवेचनं अस्माभिः क्रियते अस्मिन् सुदर्शने पंचसप्तति हस्तमात्रं गभीरो भेदः एकः संजातः तस्मात् निरन्तरं जलं प्रवहति स्म अतएव इदं सुदर्शनं मरुधनुव सदृशं दूरदर्शनं जातं यथा मरुस्थलं भवति तत्र कश्यदपि गन्तुम् न वाञ्चति तथैव अस्य सुदर्शनस्य स्थिति संजाता निरपस्य मौर्यवंशस्य चंद्रगुप्त राष्ट्रीयनामक अ वैश्यवर्णयुतेन पुष्यगुप्तेन इद निर्मात अंत सुदर्शन तदनु पुनर्निर्माण निरपस्य मौर्यशावतंस कृते अशोक यवनराजन तुशास्पेन इद प्रणाली युत सुंदर कृत अदर्शन से सौंदर्यवर्धनाय तेन बहु प्रयास अग्रे उच्यते रलम प्रणलिरल तम तत्तया कृत विधानया तस्मीन भेदे दृष्टया प्रणाल्या विस्तृत से आगर्भात्भृत विहित समुद्रित जललक्ष्मी धारणा सर्व धारणागुणतर्णरभिगम्य रक्षणारतिवृतेन आणोच्वासा पुषवधन निवृत्तिता अंत मूलपाठ सेचन क्रिय क्रियते तत्र उच्यते ततः परम राजकूलकृत निर्माणवता तेन सुदर्शन भेदन दर्शनयोग्येतुगर्भ जशन से दुर्दर्शन अभवत सुदर्शनस्य संप्रति दर्शन योग्यता अभिवर्तिता ततः परम राजलक्ष्मी गुण धारण कर्तृत्वात रक्षणाय समस्त ही आगत्य स्वा स्वामित्वे चितेन आ मरणं त्यक्त युद्धेन विरक्त मानव वधेन अग्रुच्यते मूलपाठे सत्य प्रतिज्ञय अन्यत्र संग्रामेषु अभिमुखागत शद्रिस शत्रु प्रहण वितरणत्वा विगुणारी रिपु ता कारुण्येन स्वयं अभिगत जनपद अगतजनपद शरणदेन दस्यु व्याल मृगरोगा अपसृष्टपूर्वनगर निगम अच्छा मूलपाठत दृढ़सत्य प्रतिवता समुखागत सदृशसत्रुप्रहारक करुणापूरी स्वयं समीगता चरणकमल विनता जीवनरक्षाई सर्वदा प्रयत्नरतेन दस्यो सर्प वन्य पशु रोगादि मुक्त अर्थात ये जनाह 17वः तस्य आसन ते तहि सह अपि तहि सा अपि तस्य व्यवहार अतीव समीचीन आसीत सह करुणापुरिता आसीत येपि जनाह तस्य समीपम अगच्छन्ते इसमह तहि सह तस्य व्यवहार अतीव दर्शनीय आसीत ये जनाह तस्य पाद पद्मयो विनता भवन्ते इसमह तेसाम जनानाम स जीवन रक्षाम आमरणम अपि करोति इसमें तस्य अयं प्रयत्नह सर्वदा भवति स्म अग्रे मूल पाठे उच्चते जनप्रदानाम स्ववीर्यार्जितानाम अनुरक्त सर्व प्रकृतीनाम पूर्वा परा करा वंत्या अनुप कच्छ सिंधु सौवीर कुकुरा पर निसाद आदि तत् प्रभावाद यथावत प्राप्त धर्मार्थ काम विषयाण विषयाण पतिना सर्व क्षत्रा सर्व क्षत्राविष्कृत अग्रे उच्य अस्य विवेचन क्रियते जनपदानां प्राप्त स्वप्राक्रमेण सर्व प्रजासु अनुरक्तेन पूर्व पश्चिम दिशा अवंती अनूप निवृत्त आनर्त सुराष्ट्र स्वभ्र मरु कच्छ सिंधु सोवीर कुकर अपरांत आदि नाम विजेत्रा स्व प्रभाव यथोचित प्राप्त धर्मार्थ काम मोक्षेण तेन अत्र ये अवंति का ते प्रदेशा एतादृशा सी यान प्रदेशान विजित्य अयम तत्र शासनम अकोत् अग्रे उच्य सात प्रसह्योत्साधक द्विरपि निर्व्याजम अवजित्य अवजित्य संबंधा विदूरतया अनुत्सादनात् प्राप्त यशसा वाद प्राप्त विजयन भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक यथार्थ अर्जितः अर्जित मूल मूलपाठ से सरलशब्द विवेच क्रिय है वीरोपाधिधारकेण उत्साह अदम्योदृज प्रोत्साहक दक्षिणापथ स्वामी सातकर्णी नृप युद्धे दिवारं परजि संबंध समूल सामीप्यकारणा समूलनाशाभाशा पदच्युत नृप्रतिपक अर्थात यहाँ नृप रुद्रदामा आसी स अतीव उत्साह आसी योद्धा आसी तर युद्धकौसल्य दृष्टि अने ये योद्धारा जना आसन ते प्रोत्साहता स्म दक्षिणपथ से स्वामी सातकर्णी नृप आसी तम सातकर्णी वंशस्थनृप युद्धे पराजित्य पाजि तस्य निरपस्य समूल विनाशम न अकरोत कस्मात् कारणात् यतो हि तेन सातकर्णी निरपेण सह अस्य अतीव सामिप्य संबंध आसीत तस्य निरपस्य या पुत्री तया सह अनेन विवाह कृत अतएव संबंध सामिप्य कारणात् तस्य समूल नाशा भावात् लब्ध यशसा पदच्युत निरप प्रतिष्ठापकेन अनेन निरपेण अग्रे मूल पाठे उच्य से विद्यानाम शब्द नाम पारण धारण विज्ञान विपुल कीर्तिना तुरग गज रथ चरम चरमन्युद्याद्या अति परवल लाघव अहरहरदानी मानान अस्य मूलपाठ से सरल भाषा वेचन क्रिय यथार्थ हस्तौरी दृढ़र्माग से रजयिता व्याकरण संगीत न्यादीना महती विद्यार्जना व्यवहारा प्राप्त विपुल अस्व हस्ती रथ खड़गादीना प्रयोगेण शत्रुपक्षे नवोत्साहन सदक्षम कार्य करह प्रतिदिन दान राजा अत य अतीव व्यवहार निपुण आसीत व्याकरण संगीत आदि शास्त्रेषु बहु कुशल आसीत अस्य व्यवहार प्रजाजनैः अतिव सम्यक आसीत अतेव सर्वेपि जनाः अस्मै बहु स्नेहं क्रवन्ति स्म अग्रे उच्यते अवमानशीलेन स्थूल लक्षण यथावत् प्राप्तेर् बलि शुष्क भागई कानन रजत वज्र रत्नोपचय लघु मधुर चित्रकांत शब्द गद्य पद्य काव्य विधान ही न प्रमाण मान गति वर्ण तो अस्य सारस्या विवेचन क्रिय असम्मान असम्मानाशक दानशील यथोचित प्राप्त कर रजत वज्र रत्न वैदुरिया अधिक्य आदि भी पूर्ण कोषेन लघु मधुर विचित्र सुंदर यथोचित शब्द प्रयोग ही सुंदरालंकृत गद्य पद्य रचना निपुणेन प्रमाण मानोन मान स्वर गति वर्ण दृढ़ता शक्त्यादि उत्तम लक्षण युतेन निरपेण अग्रे परम लक्षण व्यञनेहि रूपेत कांत मूर्ति ना स्वयं अधिगत महाछत्रप नामना नरेंद्र कन्या स्वयंवर अनेक माल्य प्राप्त दामना महाछत्रपेण रुद्र दामना वर्ष सहस्राय गो ब्राह्मणार्थम कीर्ति विद्यार्थम च अपीड़यित्वा करविष्ट अस्य सरल भाषा विवेचन क्रियते सुचिन्ह युत कांतो शरीरेण स्वयं अधिगत महाचत्रपोवपादिना स्वयंवारे राजकन्या भी लब्ध बहु माल्यपाणिना महाचत्रप रुद्रदामन नामना महाचत्रपेणा सहस वर्ष पर्यंतम् धर्म यशसो वृद्धे कार्यम् कृतम् अर्थात अनेन रुद्रदामन निरपेण धर्मस्य कृते बहु कार्यम् कृतम् येना अस्य यस्यह बहु दोरम् गतम् पौर प्रणयक्रिया जनम स्वस्मात कोषा महता अनति महता च कालेन त्रिगुण दृढ़तर विस्तरयाम से सुदर्शनतरम कार्य अस्न्थे अूलपाठ से सरलभाषा विवेचन क्रिय प्रम प्रीति प्रमतिवशा पुर जनपद जनाभ्यः कष्टमदत्त्वा स्वकोषात् प्रचुरमात्रया धनं दत्वा अधिकं समयं नग्रहित्वा पूर्वतः त्रिगुणतरं दृढं विशालं निरवाप्य सर्वतः सुदर्सन योग्यं कृत्वा सुदर्सनस्य सौन्दर्यम् कारितम् यतोहि ये तो यथा अध्यत्रे भवति यदि कश्चित नूतन राष्ट्रीय मार्गः निर्मियते चेत् यह जना तत्र गच्छते तस्मात सर्वपक्षत स्वीक्रीय टैक्स रूपेण यहाँच्यथा यदि स निरप उदार न सैत स अभी वक्त शक्नो स्म ये, ये, थे। ये, ये अधुना अच्छे सुदर्शन तड़ाग से पुनर्निर्माण मैं क्यों अतएव कृते प्रचुर मात्रया धन स्वीकु अथवा यहाँ तम कर दिगुण कृत्वा मह्यम ददा परंतु स एव न कृतवा स प्रजा जनेभ्य प्रजाजने कष्ट दत्वा स्वकोशाद अस्य सुदर्शन नामकस्य तड़ाग से पुनर्निर्माण सौंदर्यवर्धन चारित्वा अग्रे उच्य महाक्षत्रप से मतिसचिव कर्म सचिव अमात्य गुण समुद्युक्त अपि भेद से अनुत्साह विमुख पक्त्या कातारम्भम अर्थात तस्य रुत्रदामन निरपस्य ये सचीवासंते सर्वे प सम्मिल्ले उक्तवन्त यत अस्य सुदर्शन नामकस्य तडागस्य पुनर्निर्माणम मा कुर्वन्तो परन्तु तान सचीवान अपि स अवरोध्य निरपः वदते यत न एवम न अहम कर्तुम शक्नोमि अनेन तडागेन सह सुदर्शन नामकिना तडागेन सह प्रजा जनानाम बहु दीर्घकाल संबंध वर्तते अतएव अस्य सुदर्शन नामकस्य तड़ागस्य से पुनः निर्माण तो भविष्य अर्थात तस्य ये सचिव आसन ते निषेध करतव परंतु तेसाम वार्ताम स नामा नाम नृप न मतवान अस्मिन सुदर्शन सेतु भेदे विशाले सति अमात्य जनानाम कार्यपूर्त सचिव जनानाम च उत्साह क्षीण आसीत ते पुनद्धारिषंते स्म तदापि अग्रे मूल पाठ उच्य पौर रास्यादहासु प्रजासुराधिष्ठनेौर पार्थिवेन पार्थिवन कृत्ना आनत्तम सुराष्ट्राण पालार्थ नि अस्य विवेचनं क्रियते यत् सेतुबन्धस्य पुनर्निर्माणं असति निराशाकारणात् प्रजा जनैः क्रंदनं आरब्दम यत अहो अधुना अस्माकं किं भविष्यति वयम् कुतः जलमानैस्याम अस्माकं कृते जलपूर्ति कुतः भविष्यति इत्यादिकाह ये प्रश्नाः सन्ति ते सर्वेपि प्रश्नाः प्रजा जनानां मनसि उत्पन्नः तस्मात् राजा चिंतितवान् यत अस्य सेतु बंधसे पुनः निर्माणम् स्यादेव अतेव अत्र वच्यते सेतु बंधसे पुनः निर्माणे असति निराशा कारणात् प्रजाजनहि क्रंदनम् आरबधम् पुनः अस्मिन् स्थाने प्रजाजनेभ्यः सुशासनाय महाक्षत्रप द्वारा नियुक्तेन सुराष्ट्रानर्त शासकेन अर्थात एतस्मिन् स्थले तेन निरूपेण रुद्रदामन नामकेन यः शासकः नियुक्तः आसीत् स तेन शासकेन किं कृतमिति अग्रे उच्यते यत् स्वधितिष्ठता धर्मकीर्ति यशांसि भर्तुरपि वर्धयाता अनुष्ठितम् इति अर्थात स्वशासन द्वारा स्वस्वामी धर्म यशो यशोवृद्धे अस्य पुनर्निर्माणम संपादितम् अर्थात यह साधक अत्र तेन निरपेण युक्तः तेन साधके स्वस्वामी स्व न ह रुद्रदामन नामकस्य निरपस्य धर्मस्य यशस्सह च वृद्धे अस्य सुदर्शन नामकस्य तड़ागस्य पुनर्निरमाणं संपादितं येतो हि भवः जना अनेन सुदर्शन तळागेने संबद्धा सन्ति यदा अस्य सुदर्शनस्य पुनर्निरमाणं रुद्रदामन द्वारा संजातम तदा सर्वे पि जनाः प्रसन्नचितः संजातः ते सर्वे पि जना इतस्ततः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र गत्वा स्वस्वामिनः रुद्रदामन नामकस्य निरपस्य विषये प्रशंसा वचान्सि बहुवदन्ति कथयन्ति च अयम राजा अस्माकं धार्मिक का वर्तते एवं कृत्वा अस्य निरपस्य यशो वृद्धि बहु संजाता अत्र अस्मिन पाठे अस्मा भी तत्र गिरनारा भी लेखे य मूल पाठ वर्तते तस्य अस्माभि विवेचनम कृतम जातम एति, च यत कानेकानि तथ्यानी इति ऐतिहासिकानि तत्र उद्रितानि सन्ति यानि विजय वयंबहु उपकृता भवाम ऐतिहासिक विषय ए ये यत यह रुद्रदामन नामह निर्पा स सकिद्रिशा आसीत कथम तस्य स्वभावा आसीत स प्रजाजनय स किद्रिष्म विवहारम करोति स्म प्रजासु तस्य किद्रिशा दयालुता किद्रसि प्रजासु तस्य किद्रसि दयालुता आसीत इत्यादि कहा ये पिवसय आसन ते सर्वे अत्र अस्मा भी विविवचिता सन्ते अग्रिमे पाठे वयम प्रयाग प्रशस्ति विषये पठिश्याम प्रयाग प्रशस्ति प्रसिद्ध वर्तते समुद्रगुप्तस्य हरिषेण कविना इयम् लिखिता वर्तते अस्यह विषये वयम अग्रिमे पाठे पठिश्याम ज्यास्यामश्च यत तस्यः प्रशस्ते किम् ऐतिहासिकं तथ्यं वर्तते इति उक्त्वा सर्वेभ्यो नमो नमः इति कृत्वा च व अहम् अत्रैव